ये पास का नहीं एल ई डीजल। यहाँ पे वॉल जो है सबका नोजल का रिपेयरिंग होता है और टेस्टिंग होता है। ये नोजल का टेस्टिंग कैसे होता है ये देखिए मशीन। ये मशीन में जैसे कि ये आपका नोजल रहा, ये नोजल रहा है, ये नोजल का टेस्टिंग हो रहा है। देखिए देखिए मशीन, मशीन का नाम बढ़िया है। देखिए नोजल का टेस्टिंग हो रहा है, इधर से ऑयल फ्लो हो रहा है। नोजल ठीक ठाक काम कर रहे हैं क्या, बराबर हो रहा है। मीटर पोजीशन ये मीटर लाइन, ये मेन लाइन, अच्छा अच्छा बराबर हो रहा है इसलिए वो सही है। अब दूसरे नोजल के लिए सेटिंग चालू है मशीन पे। ये सेटिंग हो जाने के बाद फिर दोबारा मशीन को स्टार्ट करके उसको चेकिंग करेगा। अभी मशीन ऑफ कंडीशन में है, आइडल कंडीशन में है। आइडल में मीटर का है, thank you।
भी ओके है। इसका नंबर नोजेल ये भी ओके है। कितना अंदर में कट होगा? देखिए 650 फीट कट हो गए ना। हाँ ये हो गया रिटर्न, जो टैंकी में रिटर्न जाता है नोजल से टैंकी में जाता है। अच्छा अच्छा, ये सपोज ये इतना जाएगा कि इतना चला जाएगा ना। हाँ ये नोजल खराब है। अच्छा मतलब इससे ज़्यादा इसमें अगर डीजल ज़्यादा निकलेगा तो नोजल खराब, नोजल खराब है, इसका रिपेयरिंग जरूरी है। फायर होना चाहिए, फायर हो रहा है, फायर स्लो हो जाएगा, स्टार्ट हो गया, उससे जितना कम करेगा उतना कम चल आएगा, और जितना बढ़ाएगा उतना आएगा, जितना बढ़ाएगा ना उतना मारेगा। एक 4 नंबर नोजल का टेस्टिंग चालू है, बाकी 3 नंबर तक ओके था, लास्ट नोजल का चेकिंग हो रहा है। तो मेरा जो नोजल था वो टेस्टिंग कर लिया, टेस्टिंग करने के बाद सच सच सब ओके है। तो ऐसा नोजल चेकिंग होता है वो पहली बार मैंने भी देखा, और आप लोगों को देखने के लिए भी मौका दिया।